लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये देखिए महाराज, जसराज जी ने खास भेजा है ये नेकलेस। अच्छा चल। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये कड़े और ये हीरों का हार कैसे लगे महाराज? अच्छे। अंदर चलते हैं, लेकिन याद रखना बिल्कुल हर्ष बने रहना। चलो। नहीं भैया, आप जाइए। क्यों? मुझे घबराहट हो रही है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। भैया इतनी ट्रेनिंग दी फिर भी। भैया गधा तो गधा ही रहता, घोड़ा थोड़ी हो सकता है। नहीं चुप, इडियट, बेवकूफ। और ये देखिए करण जी। महाराज दिखा दिखा। शरारती कहीं का, कैसे चुपचाप आकर मेरे पास खड़ा हो गया है? क्यों हंस रहे? भैया की शादी के जेवर देखकर। अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे माँ, आप लोग को भी अच्छे लगे? अबे बेवकूफ, अच्छे लगे तभी तो देख रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। इस खुशी के मौके पर क्यों भला बुरा कह रहे हैं मेरे बेटे को? माँ पिताजी आज कितने खुश लग रहे हैं ना। आज हम वाकई बहुत खुश हैं, हमारे शेर बेटे हर्षवर्धन का विवाह होने वाला है और ब्याह के बाद हम उसे इस रियासत का राजा बना देंगे। माँ पिताजी, पिताजी हम इस खुशी के मौके पर आपसे कुछ मांग सकते हैं? क्या चाहिए तुझे? बोल मेरे प्यारे गधे बोल, आज हम इनकार नहीं करेंगे, हमारा वादा है। सुना है, सुना है कि हिंदुस्तान में एक जगह बॉम्बे, कहते हैं कि वहां अगर गधा भी जाए तो इंसान बनकर आता है। मैं वहां जाऊंगा माँ, बंबई 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 जाऊंगा माँ, बंबई। अबे गधे, नाम भी लिया तो बंबई का, नाम लेता है अमेरिका जाऊंगा, लंदन जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, पेरिस जाऊंगा, मगर नहीं बंबई बंबई। माँ आज पहली बार मेरे बेटे ने अकलमंदी की बात की है और आप हंस रहे। कौन जाने बंबई जाकर सचमुच मेरा बेटा बुद्धिमान और स्याना बनकर लौटे। क्षमा कीजिए महारानी साहिबा, मैं आपके इस विचार से सहमत नहीं हूँ। करण सिंह जी ठीक कहते हैं बिल्कुल। देखिए पिताजी, महाराज आपने वादा किया है, अगर राजा वादे से मुकर गया तो प्रजा का राजा पर से विश्वास उड़ जाएगा। क्यों महाराज, अब तो हमें आज्ञा है ना बंबई जाने की? ठीक है, तुम बंबई जा सकते हो। ज्यादा उछलो मत, तुम बॉम्बे जाओगे जी, लेकिन अकेले नहीं जाओगे, ठाकुर करण सिंह जी तुम्हारे साथ जाएंगे। जी जी, जी मैं बम्बई और वो भी इसके साथ। करण सिंह जी आप इसके साथ जाएंगे तो हमें चिंता बिल्कुल नहीं होगी, ये तो भोला है, आपका साथ मिलेगा तो कुछ इंसान बन सकेगा। महारानी साहब हो सकता है ये इंसान बन जाए, मगर मेरी इंसानियत का क्या होगा? वो तो हमने वादा किया है। हाँ आप एक काम करेंगे, हर्षवर्धन के विवाह के बाद आप इसे अपने साथ बंबई ले जाएंगे। क्या हो रहा है? शादी हो रही है। देख रहा हूँ। ये पगड़ी किसने बांधी है? जल्लाद ने। कौन जल्लाद? आप और कौन? अच्छी लग रही है। अब जरा मुस्कुराइए कम, मुझसे बात कीजिए। क्या ये बम्बई जाने का क्या चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है, बम्बई जाकर बताऊंगा। ये बम्बई जाना जो है ये टल नहीं सकता? बिल्कुल नहीं। आप सारी तैयारियां कर लीजिए, शादी खत्म होते हम चलेंगे बॉम्बे। बम्बई जाकर आप कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेंगे ना भाई? कुछ उल्टा सीधा नहीं करूंगा, बल्कि जो उल्टा है उसे सीधा करूंगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए, तब तक ये रखिए। जी यहाँ सेब थमा गया है, मजरूब बम थमाएगा याद नहीं मुझे। सुखी रहो।
उठ चुक जी हो हर्ष। धन्य हो गोवर्धन भैया, धन्य हो। तुमने हमारी डूबती नैया को बचा लिया, हमारी जिंदगी बना दी। तुम दोनों को नई जिंदगी मुबारक। हर्षवर्धन बनना भी बहुत मुश्किल है, पूरा बदन अकड़ गया। ठहरो, ये क्या कर रहे? जयश्री का विवाह हर्षवर्धन से हुआ है, गोवर्धन से नहीं। किस अधिकार से घूंघट उठाने जा रहे हैं बेटा? घूंघट तो दूर, तुम उसे छू भी नहीं सकते। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सोचा था हर्षवर्धन बन के जयश्री के करीब रहूंगा, उसे प्यार करूंगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? सब उल्टा हो गया जी। मेरा मतलब है, गला सूख रहा था इसलिए पानी पानी पीने चला। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या जी? हंस गया हूँ जी? मेरा मतलब है थक गया हूँ, मेरा सर पकड़ा जा रहा है। लाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। जी नहीं, अभी नहीं। भैया से बात करनी पड़ेगी, कहाँ फंस गया। अच्छा, हाँ। आप जो कहेंगे मैं करूँगी जी। मैं आपकी पत्नी हूँ ना जी। हाँ, तो फिर इतनी दूरियाँ क्यों? दूरियाँ कहाँ है, अब तो आप हमारे हैं ना, तो पीछे क्यों हट रहे हैं? पीछे कौन हट? समेट लो मुझे अपनी बाहों में। समेट? क्या मैं आपकी पसंद नहीं? कमर, झटका। धीरे धीरे उठिए, संभल के। भैया आजादी, आजादी। तुम्हारी आजादी वहां खत्म हो जाती जहां से मेरी नाक शुरू होती है। तुम चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ जी। अबे हीरो, बाप का मैदान समझ के उछल रहा है क्या? साला बराबर टाइम पे ब्रेक नहीं मारता ना तो बिना टिकट ऊपर चला जाता। न जाने कहां से चले आते बंबई में भर्ती के औलाद साले। अबे मैं तेरे को गाली दे रहा है, तू बत्ती से फाड़ के हंस कह रहा है? दे ना भाई, और गाली दे, और गाली दे। आज जिंदगी में पहली बार इन कानों के पर्दों से गालियां टकराई है, बहुत मजा आया। ये सुनने के लिए तो मेरे कान बचपन से तरस रहे हैं। देना, रुक मत, और गाली दे, दे, बहुत मजा आ रहा है। मजा? यारे बम्बई में पहला आदमी देखा जो गाली सुन के मजे ले रहा है। क्या रे, उल्टे खोपड़ी का आदमी है क्या तू? और ये कपड़े क्या, किसी पागल खाने से मार के लाया? जाने बाबा, जाने देना, सुबह सुबह काय को धंधे का टाइम खराब कर रहे थे। गोवर्धन क्या हुआ? एक और आ गया। क्या हुआ क्या? आंख बंद करके रस्ते में चलेगा साला, मरेगा तो? तुम्हीं से बात करो, तुम्हीं से बात करो। क्या रे, तू फिल्म कंपनी का कपड़ा पहन के इधर दोस्त जमा रहा है क्या साला? हेलकट का। अरे नहीं करण जी, करण जी, गलती इनकी नहीं, मेरी है। मैं इनके गाड़ी के सामने आया था। अरे मगर ये उल्लू का पट्टा में गालियां कैसे दे रहा है? कैसे दे रहा है? मुंह से दे रहा है। अबे सुबह सुबह धंधे का टाइम खोपड़ी खराब कर दिया, पनौती कहीं का। अरे मैं इसकी खाल धोऊंगा। नहीं करण जी, नहीं नहीं करण जी, शांति। अच्छा भी सको, सामान टैक्सी में रखे। सामान टैक्सी में रखिएगा। कौन सा सामान? अंधा हो गया, सामने रखा हुआ है। क्या सुबह सुबह क्या, किधर है सामान? अरे ये क्या सामान, क्या हुआ? क्या हुआ क्या? अरे इन तीन ट्रॉलियों में 10 सूटकेस भरवा के लाया था। 10 सूटकेस?
ए बाप, ये बम्बे है समझा ना, इधर मोजे के अंदर छुपाया लनोट पब्लिक चुरा के ले जाता है, तुमने तो खुलेआम सड़क पे सामान रखा था। दस सूटकेस, कोई मिला नहीं क्या सुबह से तेरे को? देख लिया गोवर्धन, ये है तुम्हारी बम्बई। अभी पहुंचे हुए आधा घंटा नहीं हुआ और बम्बई ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे करण जी, भूल जाए उस सामान को। क्या मतलब, वो दस सूटकेस जाने दूं? करण जी, बम्बई में हम लोग बम्बई वाले बन के रहेंगे, वैसे भी इन कपड़ों में लोग हमें देखकर हंसते हैं, हम नए कपड़े खरीद लेंगे। हाँ गोवर्धन, तुम तो हो पागल, किसी दिन मुझे भी पागल कर दोगे। अरे तुम्हें पता उन सूटकेसों में कितना पैसा था? मालूम है मालूम है, मगर इस बैग में जितने पैसे हमारे लिए काफी है। चलिए ना करण जी। अरे तुम सीधे बैठो भाई, आगे देखो। सीधे बैठो, क्या बदतमीजी है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तुम्हारी बदतमीजी के कारण सारा सामान चोरी हो गया, सारा पैसा चोरी हो गया। ए भाई, टैक्सी भाड़े का पैसा है ना? अरे है, तुम सामने देख के चलाओ, एक्सीडेंट करोगे। अरे मैं संभाल के चला रहा हूँ, तुम संभाल के बैठना, वो दरवाजा पकड़ के रहना। ये रस्सी क्यों लगाई? अरे इसका हैंडल टूट गया, खुलते रहता है बीच बीच में। संभाल के बैठना, गिर गया तो अपना जिम्मेदारी नहीं। कितने बदतमीज लड़के हैं यहाँ के, देखो क्या है? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये ले देख। हाँ, ये कौन है? हम, ये हमारा मुंह कैसे काला हो गया? ये बाप, ये बम्बई है या बड़े बड़ों के मुंह काले होते हैं? तू कौन है? हुयू? ये ले कपड़ा, ले पोछ ले। साफ हुआ? ला कपड़ा दिखा। अरे तेरी तो कपड़े पे तो ग्रीस लगा हुआ था। ये कपड़ा दिया था तुमने? अरे संभल के बैठ, संभल के कालिया, अब भी गिर जाता। ए, कौन कालिया, क्या बात हुई? अरे तू और कौन कर रहा, अपना थोबड़ा तो देख। बोल क्या दू, गुलाब, चमेली या मोगरा? क्या बात हुई? देख लेना, घूर घूर के क्या देखता है कालिया, लेता है क्या? हाय हाय रे कालिया। इजड़े इजड़े। अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हटो भाई, यार इनको मना करो ना। अरे नहीं नहीं साहब, आप उन लोगों के साथ लफड़ा नहीं कर सकते, सिग्नल पे टायर पंक्चर करके भाग जाते हैं। अरे कैसे चलाऊं, सिग्नल लाल है ना, सिग्नल तोड़ के जाऊं क्या? बदल ले तो ना। अरे जा रे, कपड़ा तो राजा के माफिक पहना है और जेब में एक भेड़ी नहीं, फूल नहीं। अरे जा जा, तेरे जैसे बड़े सेठ देखे गाड़ी में बैठे थे, अपने आप को सेठ समझता है। कंजूस की औलाद, लफंगा साला, कालिया साला। वेलकम सर, वेलकम। आइए। हाँ वेलकम। एयरपोर्ट पे गाड़ी तो भेजी नहीं आपने, आपके शहर ने आती मुंह काला कर दिया हम लोगों का। जी सर, वो हमने गाड़ी तो भेजी थी लेकिन इत्तेफाक से वो ट्रैफिक में फंस गई। प्लीज आइए, ये मुझे दीजिए, प्लीज प्लीज आइए। फिर वही महल जैसा माहौल। आइए सर। ऐसा करते हैं, कहीं सस्ता होटल ढूंढते जहां पर महल जैसा माहौल ना हो। आइए मैं आपका रॉयल सूट दिखाता हूं। आओ गोवर्धन। अरे ये कहां गए? ये क्या हो रहा है? प्यार 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 है। Oh, how nice. हमें प्यार छतरी के नीचे भी होता है? ऐसे ही होता है, हम लोग बहुत जाने एक दूसरे पर। चलो रखो, चलो रखो। अरे आओ, भूख लगी है, बैठो बैठो। लो खाओ। यहाँ के लोग कितने अच्छे। खाओ खाओ खाता।
ये सब बच्चे आपके हैं? तो क्या आपके हैं? बाप रे, इतने सब? क्यों? ऐ बच्चों, चलो चलो, चलते हो कि मारूं? कहाँ चलना है? एक मिनट, मैं आपसे नहीं अपने बच्चों से बात कर रही हूँ। क्यों बच्चों, पहली बार घुमाने लाई और उसमें भी मस्ती? मारूंगी एक एक को। अरे अरे, आपके अपने बच्चे, क्यों डांट रही हो? ऐ मिस्टर, आप, अरे नीलम कहाँ गई? गणेश को कुछ नहीं होगा। गणेश को कुछ हुआ ना तो मैं उस गाड़ी वाले को छोड़ूंगी नहीं, बजाय इसके कि वो गणेश को अस्पताल पहुंचाता, गाड़ी लेकर भाग गया, जैसे गरीबों की जान की कोई कीमत ही नहीं हो। I hate these kind of people। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को चाहा, मगर वो दौलत वालों से नफरत करती है। इन बच्चों की खुशी के लिए मैंने बाहर घुमाने लेकर आई थी, और देखिए ना क्या हो गया। अब क्या जवाब दूंगी इनकी गरीब माँ बाप को? तुझे ऐसी लड़की की तलाश थी ना जो तेरी दौलत, तेरी पोजीशन की परवाह ना करे। ये वही है। आज से तू इसके लिए राजकुमार नहीं, एक गरीब मामूली इंसान है। डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं, मैंने बच्चे का प्लास्टर कर दिया है, आप लोग उसे घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, इट्स ऑल राइट। चलो चलो बच्चों, चलो चलो। थैंक यू, मुझे मेरी मंजिल मिल गई। ए टैक्सी आई, टैक्सी आई, ए टैक्सी आई। ये तो अपना गणेश है यार। गणेश, ओए की बह गया पुआड़ा मौसी नू। अरे मौसी तो क्या हुआ? मौसी, अरे काय से ले रहे तू दादा जी? काय से ना, आहिस्ता आहिस्ता माजी, जख्म कच्चा है। लेकिन हुआ क्या इसको? अरे कुछ नहीं हुआ मौसी, इसका एक्सीडेंट हो गया, सड़क पार करके नीलम को बचाने गया और एक गाड़ी इसे मार के निकल गई। अभी बिल्कुल ठीक है। अरे मेरे गरीब का है कि बच्चा, इसको कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। इतनी ममता, इतना प्यार। मौसी, इस अंकल ने मेरी जान बचाई। अरे अरे, ये क्या कर रही है माँ जी? गणेश अच्छा हो जाएगा, बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा माँ जी। बेटा, तुमने गणेश की जान बचाकर मेरी जैसी गरीब को नई जिंदगी दी है। जब से मेरे बेटे और बहू को हत्यारों ने मार डाला, तब से यही मेरे जीने का सहारा है। आज तुमने भगवान बनकर मेरे को सहारा दिया है। अरे अरे, नहीं नहीं माँ जी, सब सब ठीक हो जाएगा।